नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंच कर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं अपने एक पेशेंट से जिसका नाम मिसेस भावना सिंह है और जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष के आसपास है। ये पेशेंट जो है पिछले 10 सालों से पैरों में दर्द से परेशान थी। यूजुअली ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे मरीजों में ये तकलीफ़ जो होती है स्लिप डिस्क की, ये पैरों के दर्द से शुरू होती है। और क्योंकि कमर में दर्द नहीं आया होता तो बहुत ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे होते कि उन्हें क्या तकलीफ़ है, क्यों तकलीफ़ दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही पेशेंट के साथ हुआ, ये 10 सालों से इन्हें पैरों में दर्द रह रहा था, जिसके लिए चलते बहुत जगह पर ट्रीटमेंट करा रही थी पर कोई फ़ायदा नहीं होता था। दर्द की गोली दी जाती थी और फिर से पेशेंट को वही स्थिति हो जाती थी। और पिछले कुछ महीनों में इनका कमर दर्द भी स्टार्ट हो गया था, साथ ही साथ इनको कंधों में दर्द रहता था एंड प्रॉपर डायग्नोसिस कोई नहीं हो पा रही थी। पेशेंट हमारे, इन्होंने कई जगह ट्रीटमेंट भी लिए, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सब तरह के, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ प्रॉपर तरीके का, परमानेंट। फिर पेशेंट हमारे पास दिखाने के लिए आई हैं और हमने पेशेंट को एग्ज़ामिन कराने के बाद इनकी MRI कराई, जिसमें हमने पाया कि इनकी MRI के अकॉर्डिंग इनकी L4-L5 लंबर रीजन की जो डिस्क है उसमें Grade 3 कंप्रेशन के साथ में एनुलस फाइब्रस टीयर हो रखा था। साथ ही साथ इनको L3-L4 की डिस्क पे भी एनुलस फाइब्रस टीयर हो रखा था। 2 टीयर थे, स्ट्रोमल नोड्स थे, Grade 3 कंप्रेशन था। सो पेशेंट को जो है वो, जिसे आप नस दबना कहते हैं, शियाटिका कहते हैं, इस तरह की दिक्कत हो रही थी स्लिप डिस्क की, जिसकी वजह से इनके पैरों में दर्द था, कमर में दर्द हो रहा था। साथ ही साथ इनको सर्वाइकल भी हो रखा था क्योंकि स्ट्रेटनिंग हो रखी थी इनके स्पाइन की। हमने पेशेंट का पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। 15 दिन का ट्रीटमेंट हमने प्लान किया था इनका। अभी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है, 2 दिन का बाकी है। पेशेंट के अकॉर्डिंग 5वें दिन से ही उनको आराम आना स्टार्ट हो गया था और जो पेशेंट बिल्कुल पहले चल नहीं पाती थी, अब वो 2.5 से 3 किलोमीटर की वॉक ईजिली कर लेती हैं। इस दौरान उन्हें कोई पेन किलर भी या कोई दर्द की गोली नहीं लेनी पड़ी है एंड ईजिली वो अपने सारे काम कर रही हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस तरह की किसी तकलीफ़ से परेशान है, किसी को पैरों में दर्द है या स्लिप डिस्क है या किसी की नस दब गई है, सर्वाइकल की दिक्कत है, या आपको ऑपरेशन की सलाह दी गई है और या फिर आपको कहीं से भी आराम नहीं हो रहा है, तो एक बार आप हमसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हमारे मिलने की 2 जगह हैं। पहला हमारा पता है स्वरूप क्लिनिक के नाम से, B26 हैरो स्कूल की गली, DDपुरम बरेली, जहाँ पर हम आपको मिलते हैं सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक और शाम को 5:30 से लेकर 8 बजे तक। और दूसरे मिलने की जगह है हमारी, जो वो है ओमचंद्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मीरगंज फ्लाईओवर के पास, जहाँ हम आपको मिलते हैं हर शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो अगर आप बरेली से संबंधित हैं तो यहाँ पर आकर हमें दिखा सकते हैं, और अगर आप बरेली के बाहर के हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट व्हाट्सअप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमसे ले सकते हैं। हो सकता है कि जिस दर्द से आप सालों से परेशान हो, जिस दर्द के साथ ही आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, या आपको ऑपरेशन कहा गया और ऑपरेशन आप नहीं कराना चाहते, कुछ ही दिन के इलाज के बाद आपको उस दर्द से छुटकारा मिल जाए। तो चलिए आइए मुलाकात करते हैं अपने इस पेशेंट से जिनका नाम मिसेस भावना सिंह है और जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम क्या है आपका? भावना। भावना, लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 50। 50। तो भावना, थोड़ा सा आप अपने सुनने वालों को बताएंगे कि क्या तकलीफ थी आपकी, किस तरह से शुरू हुई थी जिसके चलते आपने हमारे यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट कराया है? मेरे 10 सालों से पैरों में दर्द था, फिर उसके बाद मुझे कमर में दर्द। और अच्छा, आपने बताया कि 10 सालों से आपको पैरों में दर्द था, और कमर दर्द कब से था? ये 1.5 महीना हो गया है। अच्छा, 1.5 महीने पहले कमर दर्द नहीं था? पहले नहीं था। 1.5 महीने से कमर दर्द हो रहा था। ओके, इसके साथ साथ कोई सर्वाइकल वगैरह का पेन भी था आपको? हाँ, मुड्डों में दर्द होता था मेरी। ओके, तो और भी कोई तकलीफ थी आपको भावना? और बस यही वजह, तेजाब वजह वगैरह बनता है, छाले लग जाते हैं। तो भावना, जो आपने बताया कि आपको पिछले 10 सालों से पैरों में दर्द था, कमर दर्द था 1.5 महीने से, और मुड्ढों में दर्द रहता था, इसके चलते आपने कहीं पे कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाया था? हाँ, डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथिक भी दिखाया, आयुर्वेदिक भी दवाई लेते थे, लेकिन वही दर्द कम हो जाता था, उसके बाद में फिर शुरू हो जाता था। ओके भावना, तो जो आप हमारे यहाँ दिखाने के लिए आए हैं, आपने हमारा पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है, ठीक है, इस 15 दिन का, अभी भी आपका ट्रीटमेंट 2 दिन का बाकी है, तो उस समय ट्रीटमेंट लेने के बाद कितने दिन बाद से आपको आराम आने लगा था? हाँ। और अभी क्या स्थिति है आपकी?
मुझे करीब करीब 5 दिन के बाद आराम लगने लगा था। 5 दिन बाद आराम आने शुरू आराम आना शुरू हो गया। ओके, भावना आज क्या स्थिति है आपकी? आज अब काफी आराम है मुझे। आराम। अच्छा भावना, जिस समय आपने इलाज शुरू नहीं किया था हमारे पास, उस समय क्या स्थिति, आप कितना चल पाते थे? उस समय तो मैं ऐसे ही चलने की कोशिश करती थी, 1-2 किलोमीटर चल पाती थी। अच्छा, वो भी तकलीफदायक तकलीफ होती थी। ओके, तो आज क्या स्थिति है भावना, कितना चल पाते हैं? आज मैं 2.5 किलोमीटर चल लेती हूँ। आराम से चल लेते हैं। हाँ। अच्छा, इस दौरान आपको भावना इलाज के दौरान पे कोई पेन किलर या दर्द की गोली तो नहीं लेनी पड़ी है? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। उसमें कोई लेनी नहीं पड़ी। ओके, अभी कितना संतुष्ट है भावना, क्या लग रहा है अभी आपको? हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।